अरे तो परसों मैंने परसों हाँ हाँ परसों परसों ही क्लास में मैंने मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन बताया था मैंने आपको। मैंने बताया था जो मॉलिक्यूल, एक बार ही इसको कहा मार्कर, ये कंटेनर था, ठीक है, ये कंटेनर था, रिकॉर्डिंग लगा दी, ठीक है, ये कंटेनर था आपका, ठीक है, और इसके एक बारी एक एक मॉलिक्यूल की बात की, जिसको मॉलिक्यूल ए बोला मैंने, एक मॉलिक्यूल बी था और एक मॉलिक्यूल क्या था भैया, सी था। जो ए मॉलिक्यूल था उसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, कंप्लीटली डिप्ड है, अंदर की तरफ है पूरा, ठीक है। और जब ए मॉलिक्यूल का स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरा एकदम ऊपर से नीचे से भरा पड़ा रहेगा, तो नीचे से लगने वाला फोर्स इसके ऊपर जो रहेगा वही क्या रहेगा, बोलो, ऊपर से लगने वाले फोर्स के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है भैया, जीरो। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा तो फोर्स किसके, कौन फोर्स नहीं लगाता, जिसके पास एनर्जी क्या होती है, जीरो, और जिसकी एनर्जी जीरो होती है वो क्या होता है, स्टेबल, क्या होता है, स्टेबल। मैंने इस स्पेयर की बात की थी, यहाँ के स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस की, तो मैंने देखा लोअर हाफ इसका क्या है, पूरा भरा हुआ है, लेकिन अपर हाफ में मॉलिक्यूल की संख्या क्या है भैया, कम है, तो लोअर हाफ से ज्यादा फोर्स आएगा तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स रहेगा वो कहां रहेगा, डाउनवर्ड, कहां रहेगा, डाउनवर्ड, ठीक है भैया। और डाउनवर्ड अगर कोई फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो इसका मतलब इस पार्टिकल के पास क्या होगी, एनर्जी होगी, क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। और जिसके पास एनर्जी होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, स्टेबिलिटी क्या होगी भैया, स्मॉल, क्या होगी, छोटी, कम स्टेबल हो गई, ठीक है भैया। अब मैं बात कर रहा था सी वाले मॉलिक्यूल की, तो सी वाले मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो इसका लोअर हाफ क्या है भैया, इसका पूरा मॉलिक्यूल से भरा पड़ा लोअर हाफ, लेकिन अपर हाफ क्या है भैया, कंप्लीटली एम्प्टी है, तो सारा फोर्स कहां पे आएगा, नीचे की तरफ। और ये कुछ ज्यादा ही बड़ा फोर्स रहेगा, जब बड़ा फोर्स रहेगा, लार्ज डाउनवर्ड फोर्स, लार्ज डाउनवर्ड फोर्स, जब लार्ज डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू रहेगी तो भैया आपको पता है भैया एनर्जी भी क्या होगी, लार्ज, और जब एनर्जी लार्ज रहेगी तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी, स्टेबिलिटी स्मॉल, स्टेबिलिटी स्मॉल, स्टेबिलिटी स्मॉल रहेगी तो भैया ऊपर की सरफेस, इसे क्या कहते हैं भैया, देखिए जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है उसे मैं कहता हूं भैया फ्री सरफेस, क्या कहता हूं, और फ्री सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में है वहां का सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, क्या होती है, अच्छा, एनर्जी मैक्सिमम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, तो टॉप का सर जो लेयर होती है, टॉप की जो सरफेस होती है उनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं भैया, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। अब स्टेबल होने के लिए उनको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, और एनर्जी कम कैसे कर सकते हैं, वो नीचे आए, कहाँ है, नीचे आए, तो इसीलिए ऊपर की मेम्ब्रेन पे नीचे की तरफ एक खिंचाव लगता है, उस खिंचाव पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहते हैं भैया, सरफेस टेंशन। यानी आप देखिए भैया, मैंने बोला सरफेस टेंशन, अनस्टेबल कहां के मॉलिक्यूल होते हैं, फ्री सरफेस के, अनस्टेबल कहां के मॉलिक्यूल होते हैं, और फ्री सरफेस क्या होती है, जो एयर के कांटेक्ट में होती है, तो इसका मतलब यहां पे यहां पे यहां पे ये सरफेस एयर के कांटेक्ट में नहीं है, और जब ये सरफेस एयर के कांटेक्ट में नहीं है तो यहां पर सरफेस टेंशन भी नहीं आएगा, सरफेस टेंशन केवल कहां आएगा, जो एयर के कांटेक्ट में होगी, ठीक है भैया। तो अब एयर के कांटेक्ट में यहाँ पे सरफेस टेंशन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, और सरफेस टेंशन काम क्या है, सरफेस में मॉलिक्यूल की संख्या को कम करना, सरफेस में मॉलिक्यूल की संख्या को कैसे कम करता है, सरफेस टेंशन सरफेस एरिया को क्या करता है, कम कर देता है, और उसके कम होने की वजह से सरफेस में मॉलिक्यूल की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है, सरफेस में एनर्जी क्या होती है, क्या हो जाती है, कम, और जब सरफेस पे एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए आप देखोगे कि जब आप वाटर के ग्लास को पूरा भर दोगे तो थोड़ा सा वो कर्व हो जाता है, क्या होता है, देखा है, किसने किसने देखा, ईमानदारी से बताना, देखा है सबने, अब कर्व क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, सरफेस क्यों किया, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या भैया, सबसे कम है, इस कर्व का सरफेस एरिया क्या भैया, सबसे एरिया सबसे कम रहेगा तो सरफेस में मॉलिक्यूल की संख्या भी क्या होगी, एनर्जी क्या रहेगी, स्टेबिलिटी क्या रहेगी। इसीलिए भैया वाटर जब एक्सेस अमाउंट में भर देते हो ग्लास में तो वो थोड़ा क्या होता है, कर्व हो जाता है आपका वाटर। अगर आपने एक और एग्जांपल देखा है, देखना है तो भैया, कोई बॉडी है एकदम चिकनी हो, उसके ऊपर पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दो, तो आप देखोगे पानी जो है ना थोड़ा सा कर्व हो जाता है,
ऐसा फ्लैट नहीं रहता, पूरा एकदम चिपका हुआ नहीं रहता, ऐसा थोड़ा सा कॉन्वेक्स की तरह निकला होता है। कॉन्वेक्स की तरह किसने किया उसको? सरफेस टेंशन भैया ने। किसने किया? क्यों किया? ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए, सरफेस में मॉलिक्यूल क्या हो जाए, और सरफेस में मॉलिक्यूल कम रहेंगे तो सरफेस की एनर्जी भी क्या रहेगी, स्टेबिलिटी क्या रहेगी। हर जगह पे एक ही मंत्र है, समझ गए भैया? कहां पर रहता है सरफेस टेंशन? फ्री सरफेस पे। कहां पर रहता है? फ्री सरफेस कौन सी होती है? जो एयर के कांटेक्ट में होती है, समझ गया भैया? चल तो समझ में आ गया होगा। तो एक मंत्र मैं लिख रहा हूं, ठीक है, उसी मंत्र का उच्चारण बार बार करना, तो आपकी सारी समस्याएं क्या होंगी भैया? दूर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए भैया मंत्र क्या है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही, ठीक है, कि ध्यान दीजिए, फ्री सरफेस किसको कहते हैं? जो एयर एयर के कांटेक्ट में, जो एयर के कांटेक्ट में, उसको कह रहे थे भैया फ्री सरफेस। भाई बातचीत नहीं होनी चाहिए, मैं देख रहा हूँ बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ। फ्री सरफेस वो जो एयर के कांटेक्ट में होती है। फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अबे क्या है यार, 50 बार बता दिया, कम बता रहे उसके बाद भी, सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। अब ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इसलिए इसलिए स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, स्टेबिलिटी कम होती है, इस वजह से, इसलिए सारे मॉलिक्यूल, सारे सारे हाँ सारे मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल सरफेस पर, लिक्विड लिक्विड सरफेस पर डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं, डाउन डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं, ताकि ताकि खुद को क्या करें, खुद को, अब बोल क्यों रहे, खुद को स्टेबल कर सके, स्टेबल कर सके सके। यही फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है? लेंथ, सरफेस टेंशन कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन में, इसलिए लेंथ हुआ था। ठीक है भैया, ये अबे ये तो खुला ही रह गया, ये सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन सरफेस एरिया एरिया को रिड्यूस करता है, रिड्यूस करता है क्या बना करके? कर्व बना करके, क्या बना करके? कर्व बना करके करके, ठीक है भैया, समझ गया? तो सरफेस टेंशन कहां से आता है, क्यों आता है, और काम क्या है उसका, समझ आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है? केवल यह याद रखना, सारी मॉलिक्यूलर थ्योरी वगैरह सब भूल जाओ, केवल ये याद रखना, नहीं याद तो वो भी रहना चाहिए आपको, लेकिन ये याद रहना चाहिए, याद होगा तो आप हर तरह के क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, क्योंकि इसके बाद हम सारे एग्जांपल्स करेंगे और एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ठीक है भैया, छोटी सी डेरिवेशन, ठीक है, तो समझ आ गया भाई क्या काम है? दिव्यांश, सरफेस टेंशन का सरफेस टेंशन के, अबे पड़ोस वाला पढ़ लेता है मेरी आवाज से, उनने ट्यूशन नहीं लगवा रखी इस वजह से, तू बता सरफेस टेंशन क्या काम होता है भैया? सुन लीजिए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है उसको फ्री सरफेस कहते हैं, वहां के मॉलिक्यूल्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो स्टेबल करने के लिए
अंदर की तरफ जाने का प्रयास करते हैं जहां पर उसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब इस चक्कर में क्या होता है भैया, उस सरफेस पर एक खिंचाव लगता है जो अंदर की तरफ रखने लगता है। उस खिंचाव पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहते हैं, खिंचाव मतलब फोर्स, ठीक है। खिंचाव पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहते हैं भैया, सरफेस टेंशन। ये खिंचाव चारों ओर से लगता है इसलिए सरफेस कैसी होती है, कर्व हो जाती है। क्या होती है, तो सरफेस टेंशन क्या करता है, कर्व करके उसके सरफेस एरिया को कम कर देता है। सरफेस एरिया जैसे ही कम होता है तो मॉलिक्यूल की संख्या भी क्या होती है, ऊपर कम हो जाती है। और मॉलिक्यूल की संख्या कम होते के साथ ही भैया एनर्जी भी क्या होती है, कम हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। वो सरफेस, अब वो चीज वो स्टेबल रह सकती है इस ब्रह्मांड में, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ू। चलो ठीक है, देखिए भैया एग्जाम्पल, ठीक है, वही कंसेप्ट है। क्या भैया, नीडल सपोर्ट्स ऑन वाटर सरफेस। अब देखिए क्या होता है, यहां पर आपको दो दो चीजें पता लगनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एक होता है कोहेसिव फोर्स, याद है हमको कोहेसिव भैया, कोहेसिव, और दूसरा होता है एडहेसिव। एडहेसिव, कोहेसिव क्या होता है, जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है फोर्स, उसे हम कोहेसिव कहते हैं। और एडहेसिव क्या होता है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इधर ध्यान दो, बात करके देखे साले, आराध्य वहीं आके मारूंगा, जीने पे दे देगा घुसंड। बात कर रहा जाए बदतमीज, यहां खड़ो अयंत के साथ चल। खड़ी ना बाहर, बाहर खड़ी कर, चुप रहो, ठीक है। देखिए तो मेरी बात सुनिए, मैंने बताया था कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, और एडहेसिव फोर्स क्या होता है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। एक कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट इसमें, इन एग्जांपल्स में ये भी लगेगा कि आपको पता है भैया, सरफेस टेंशन क्या करता है, क्या करता है, एक लेयर क्रिएट करता है। क्या करता है, वो लेयर कैसी होती है, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह। कैसी होती है, स्ट्रेस इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह। अगर उसके ऊपर कोई हल्की फुल्की चीज रखी जाए तो वो उसको क्या करता है भैया, सपोर्ट कर लेता है, उसको झेल लेता है। अब जैसा कि अपने को, हमने क्या किया भैया, इस एग्जांपल में ध्यान समझिएगा, इस एग्जांपल में इन्होंने क्या किया है, ब्लॉटिंग पेपर, जानते हैं ब्लॉटिंग, टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर लो, टिश्यू पेपर के अंदर एक वो नीडल, छोटी वाली नीडल, नीडल नहीं होती स्टील की, जो छोटी छोटी नीडल आती है, ठीक है, जो भी है सुई, ठीक है भैया, सुई में। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि यदि आप किसी के सरफेस पे ऑयलिंग कर देते हो, तो ऑयलिंग करने से, अगर मान लीजिए आपका पहले मान लीजिए यहाँ पे पानी फेंक रहे हो, तो पानी चिपक जाएगा इसमें, मतलब एडहेसिव नेचर क्या पानी का ज्यादा है। लेकिन जैसे ही ऑयलिंग कर दोगे ना, तो पानी चिपकना बंद हो जाएगा, मतलब अब एडहेसिव नेचर क्या हुआ है, सरफेस का कम हो गया। यानी आप किसी भी सरफेस के एडहेसिव और कोहेसिव नेचर को क्या करते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है भैया। तो हमने क्या किया भैया, उस पिन में ऑयल लगा दिया। क्या लगा दिया, ऑयल लगाने से क्या होगा, उसका कोहेसिव नेचर क्या होगा, सॉरी एडहेसिव नेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं भैया, ब्लोटिंग पेपर के, ब्लोटिंग पेपर ऐसे कहते हैं, ब्लोटिंग पेपर, ब्लोटिंग पेपर मतलब टिश्यू पेपर समझ लो। ब्लोटिंग पेपर आपने नहीं देखा होगा, एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं करते ना लैब वगैरह में, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपने टिश्यू पेपर लिया, रखा, और तुरंत उसके ऊपर वो छोटी सी नीडल रख दी, ठीक है, बड़े प्यार से। जैसे आपने वो नीडल रखी, नीडल के ऊपर क्या ऑयलिंग रखी है, तो इसलिए उसका पानी के साथ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। पानी के साथ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पानी के साथ अगर अट्रैक्ट कर गई तो उसका मतलब उसके अंदर एडहेसिव नेचर अभी भी है। तो भैया ऑयलिंग करने की वजह से उसका पानी के साथ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अब जैसे ही क्या करते हो भैया, सुन लीजिए, जैसे ही आप उस ब्लोटिंग पेपर के ऊपर नीडल को रखते हो, तो ब्लोटिंग पेपर जैसे ही गीला होता है, वो क्या होता है, पानी के अंदर डूब जाता है, लेकिन नीडल का अट्रैक्शन पानी के साथ क्या हुआ है, खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है, अब क्या हुआ भैया, पानी की जो सरफेस थी कैसी थी भैया, इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। तो भैया एक तो चिपक नहीं रहा उसके साथ, पानी के साथ, और दूसरा वहां पर मेम्ब्रेन भी है, तो वो नीडल क्या होती है, ऐसी सपोर्ट कर लेता है। और वो स्टील की नीडल होने के बावजूद भी क्या होता है, पानी की सरफेस पे एज इट इज पड़ी रहती है। समझ में बात नहीं आई, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। एक नीडल लेना, सुई लेना, सुई पे ऑयलिंग करना, ऑयलिंग करने से क्या होता है भैया, कि कोहेसिव नेचर, सॉरी एडहेसिव नेचर क्या होता है भैया, खत्म हो जाता है, मतलब पानी अब उस नीडल से चिपकेगा नहीं। और उसके ऊपर एक ब्लॉटिंग पेपर मतलब टिश्यू पेपर लेना, टिश्यू पेपर को आराम से रखना, और टिश्यू पेपर के ऊपर वो नीडल रख देना। जैसे टिश्यू पेपर पूरा गीला होगा, पानी का वो पेपर क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, लेकिन वो नीडल नीचे नहीं बैठेगी, वो क्या होगा, पानी की उस मेम्ब्रेन पर ऐसे ही स्टेशनरी पड़ी रहेगी। समझ गया भैया, तो यही एग्जाम्पल यहां पर कह रहे भैया, नीडल सपोर्ट्स ऑन वाटर सर्फेस, ठीक
ठीक है भैया, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन में। ठीक है भैया, तीन चार एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, चार के चारों में से एक एग्जाम्पल आपका एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन और है लेकिन उसके बारे में बाद में डिस्कस। चलो अच्छे क्वेश्चन में पूछता हूँ, ठीक है। ठंडे खाने का स्वाद अच्छे से आपको नहीं पता लगता, देखा होगा खाना ठंडा आता मजा नहीं आता, लेकिन खाना अगर गर्म होता है तो मजा बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास आता है, रीजन क्या है? इसको भी गर्म कर दू, फालतू की बकवास करता है। देखिए गर्म खाना जो होता है, गर्म खाने की वजह से सरफेस टेंशन क्या होता है, कम हो जाता है खाने का सरफेस। देखिए सुन लीजिए, सरफेस टेंशन अच्छा सुन लीजिए, कोहेसिव। देखिए अगर आपको पता है भैया, अगर आप किसी भी चीज को टेम्परेट करोगे तो उसके बीच में लगने वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है क्या होता है, कम हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है, पता नहीं होता। तो भैया जब गर्म खाना रहता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है, जो उनको जोड़ के रखा हुआ है, वो क्या हो गया, वीक हो गया। जैसे ही आप खाना रखते हो जीप पे, वो खाना क्या होता है, भैया कोहेसिव नेचर होने की वजह से क्या होता है, कोहेसिव नेचर तो उसका क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन उसका एडहेसिव नेचर जीप के साथ क्या हो गया, बढ़िया होगा। इसलिए खाना पूरा क्या होता है, फर्स्ट क्लास फैल जाता है और आपको स्वाद क्या होता है, भरपूर मिलता है। लेकिन ठंडे खाने के साथ मामला खराब हो जाता है कि कोहेसिव, सुन लीजिए, कोहेसिव नेचर क्या होता है ठंडे खाने में, ज्यादा होता है, और एडहेसिव नेचर क्या होता है उसका, कम होता है। जब आप खाना जीभ के ऊपर रखते हो तो खाना जीभ के ऊपर सही से फैल नहीं पाता, क्योंकि उसका एडहेसिव नेचर क्या है, कम है, और कोहेसिव नेचर क्या है उसका, ज्यादा है। अब ये मत बोलना आइसक्रीम, ठीक है, हाँ समझ गया भैया, समझ गया भाई। तो ये दाल चावल की बात कर रहा हूं मैं, आइसक्रीम आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा, ठीक है। चलो आइसक्रीम का एक कंसेप्ट ही नहीं है ना, आइसक्रीम जब पिघल जाती है तब ज्यादा स्वाद देती है, ऐसे एकदम खड़ी खड़ी आइसक्रीम खाओ तो वो भी मजा नहीं आएगा, ठीक समझ गया भैया। और न्यूज बोली नहीं, कह रहे अरे एग्जाम्पल लिखना है अभी, कह रहे भैया ते का यार पंडेर, इसीलिए तेरे नंबर कम है इस बारी। ते का ग्रीस नीडल, ग्रीस नीडल मतलब भाई ऑयलिंग क्यों नीडल, ग्रीस जानते हो ना, ग्रीस ग्रीस होता है मतलब ल्यूब्रिकेंट होता है, ल्यूब्रिकेंट होता है। मैं गरीब रुक जाओ, ठीक है। हाँ, बाइक में लगाते हैं क्लच वगैरह में, लड़कियों को नहीं पता होगा ना इसलिए बता रहा हूँ, लड़कियों को नहीं पता होगा तो ये पता है, लड़के ऑलमोस्ट जानते होंगे ग्रीस वगैरह के बारे में, ठीक है। देख लिया, ओए ग्रीस स्टील पीस और ब्लोटिंग पेपर, ब्लोटिंग पेपर मैं बताया तो आपको भैया, देखिए जब आप केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो कोई केमिकल वगैरह गिर जाएगा ना, तो एक ब्लोटिंग पेपर होता है, मोटा सा पेपर होता है, उसे उसको उसको साफ करोगे सोख लेता है, सोखने वाला पेपर होता है, ठीक है भैया, फ्लोटिंग पेपर। एंड प्लेस जेंटली मतलब आराम से प्यार से वाटर सरफेस के ऊपर रखना, ब्लोटिंग पेपर सोक्स वाटर, ब्लोटिंग पेपर क्या होगा वाटर को सोख, जैसे ही पानी को सोखेगा तो तुरंत क्या होगा नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा, लेकिन जो नीडल है वो क्या होगी फ्लोट करती रहेगी, ठीक है। द फ्लोटिंग नीडल कॉज बाय द लिटिल डिप्रेशन, फ्लोटिंग नीडल की वजह से, अब देखो जो फ्लोटिंग नीडल है उसका कुछ वेट होगा, अब वेट होने की वजह से जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या होगा थोड़ा दबाव आएगा, दबाव आता है तो भैया एक दबाव देखिए इस तरीके से, ये इधर इसका वेग नीचे लगेगा तो ये इस मेम्ब्रेन को क्या करेगा नीचे की तरफ खींचेगा, तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा ऊपर की तरफ, देखो ये वेग क्या कर रहा है नीचे की तरफ खींच रहा है मेम्ब्रेन को, तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा ऊपर की तरफ, इधर से भी रिएक्शन फोर्स आएगा, इस फोर्स का और इस फोर्स का एक कंपोनेंट आता है, ये वाला कंपोनेंट इस वेट को क्या करता है सपोर्ट कर लेता है। अभी लगाता हूं उसको मैं, पहले देख लीजिए जो आपको लिखना है, ठीक है। कह रहे भैया देखिए, कह रहे लिटिल डिप्रेशन द फोर्स एफ ड्यू टू द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से जो मेम्ब्रेन बनी है वहां पर क्या होता है भैया उसके ऊपर फोर्स लगता है, वो फोर्स आपका एफ और एफ ये रहा, ठीक है भैया। इस फोर्स को आप रिजोल्व करते याद है, रिजोल्व करना, चलो मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है, ये क्या है भैया, ये थीटा एंगल है, तो इधर क्या होगा एफ कॉस थीटा, इधर क्या होगा एफ डेटा साइन थीटा, जरूरी नहीं कि साइन थीटा होगा लेकिन कंपोनेंट ऊपर आता है, ठीक है। यहां पर क्या है भैया थीटा, तो ये क्या होगा एफ और ये क्या होगा एफ डेटा साइन थीटा, इस एफ कॉस थीटा ने इस एफ कॉस थीटा क्या किया कैंसिल कर दिया, लेकिन इन दोनों ने मिल करके क्या किया नीचे वाले वेट को संभाल लिया, पता है बराबर क्या संभाल लिया, कैंसिल कर दिया की बात है, ठीक है। अब यही लिखा हुआ आगे, ठीक है, द कर्व सरफेस आर इंक्लाइंड एज शोन इन द फिगर, द वर्टिकल कंपोनेंट, ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है भैया, वर्टिकल कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस सपोर्ट द वेट ऑफ द नीडल। इसमें यहां पर भी पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया, यहां पर भी पूरा एक्सप्लेन, ठीक बताओ क्या क्या एक्सप्लेनेशन छोड़ दिए इसने, बता गुप्ता,
ग्रीसिंग क्यों करते हैं? ताकि एडहेसिव नेचर क्या हो जाए इसका, कम हो जाए। समझ गए? नॉर्मल अगर नीडल लगोगे ना और डालोगे तो डूबी जाएगी, क्यों? क्योंकि पानी इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। एडहेसिव नेचर पानी का तब क्या होता है, ज्यादा होता है, खींच लेगा उसको और वो डूब जाएगी। लेकिन जैसी ऑयलिंग करेंगे इस बुड्ढे के रैप्ट हमारे पहले, तभी तो बुड्ढा है, ऐसे बुड्ढे होते सो जाते हैं खड़े खड़े। ठीक है भैया, समझ गए जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हो गया एग्जाम्पल। माँ बाप को धोखा दे रहे यार, तेरी शकल बैठी हुई है साले आगे। देखिए ओए, सबसे ज्यादा पूछे वाला भाई प्लीज, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है ये। क्या कह रहा है पता आपको? बचपन में सोप में जो सोप होता है, सोप साबुन, चाहे वो जो फैन फेन बना के रखते हैं, क्या कहते हैं उसे, झाग, तो उसके अंदर वो डालते हैं ऐसे गोल सी मैश होती है छोटी सी, उसको डालते हैं फू करते हैं तो बहुत सारे गुब्बारे निकलते हैं। जो भी है सुन लो सुन लो, तो भाई प्लीज, वो कुछ इस तरह की मैश होती है, ऐसा ऐसा यहां से पकड़ते हैं, ये मैश होती है, इसको डालते हैं पानी के अंदर, ठीक है, जैसे पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है भैया, तो यहां पर क्या होता है, एक फिल्म बन जाती है। क्या बन जाती है? अब एक बात बताओ, आपसे पूछ रहा हूं मैं, अभी तक ये टॉपिक से बाहर है, जो फिल्म है इसकी कितनी सरफेस एयर के कॉन्टेक्ट में है? जो फिल्म है जो बनी हुई है इसके ऊपर, उसकी कितनी सरफेस एयर के कॉन्टेक्ट में है? एक या दो? दो। जब भी मैं फिल्म की बात करूंगा तो उसकी दो सरफेस एयर के कॉन्टेक्ट में होती है, तो आपको दिख रही है पीछे वाली भी है, और जितनी सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है उतनी सरफेस से क्या लगता है, सरफेस टेंशन। तो यानी अब बताओ, एक ड्रॉप के अंदर ज्यादा सरफेस टेंशन लगता है या एक फिल्म के अंदर ज्यादा सरफेस टेंशन लगता है? देखिए ड्रॉप के अंदर तो पानी होता है, केवल क्या होती है, आउटर सरफेस एयर के कॉन्टेक्ट में होती है, मतलब वहां से केवल एक जगह से सरफेस टेंशन लगी आप। लेकिन अगर मैं फिल्म की बात करता हूं तो फिल्म की दोनों सरफेस क्या होती है, एयर के कॉन्टेक्ट में होती है, वहां पर दो जगह से सरफेस टेंशन लगता है। इसलिए फिल्म के केस में ज्यादा सरफेस टेंशन और लिक्विड की ड्रॉप के केस में कम सरफेस टेंशन, क्योंकि उसकी एक ही सरफेस क्या होती है, एयर का कांटेक्ट में होती है, मतलब कह सकते हो कि एक ही सरफेस क्या है, फ्री सरफेस है। समझ गए? फ्री सरफेस कौन सी सरफेस होती है सलोनी, कौन सी सरफेस होती है जो एयर के कांटेक्ट में, वही से क्या होता है सरफेस, जो सरफेस फ्री नहीं रहती उसको वहां से सरफेस टेंशन। समझ गए? तो हमने क्या किया, यहां पर बना लिया एक फिल्म, क्या बना ली, और एक धागा लिया, धागे को दोनों धागा लिया, छोटा सा धागा लिया ऐसा लिया, और उसके ठीक है धागा लिया और उसको ऐसा ऐसा दोनों एंड बांध दिए, ठीक है, बांध करके क्या बन गया, एंडलेस, क्या बन गया, एंडलेस बन गया ना, पहले दो धागा लिया था तो एंड था उसके दो, उसको ऐसा बांध दिया तो एंडलेस बन गया। अब उसको ऐसी इसके ऊपर फेंक दो, क्या करो, अभी जो मुड़ा हुआ दिख रहा है ना आपको, मुड़ा हुआ ऐसा मुड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, ये है धागा, क्या है ये, लेकिन जैसे ही बीच में मैं मारूंगा यहाँ पे पिन, ठीक है भैया, जैसे ही मैं पिन सुन तो ले, रीली देखता रहेगा पूरी जिंदगी, रीली देखेगा क्या, देखिए भैया, जैसे ही मैं मारूंगा यहाँ पे पिन, तो भैया बीच का क्या होगा, फूट जाएगा, और ये धागा कैसा बन जाएगा, एकदम गोल, एकदम गोल, क्यों, सरफेस टेंशन के। देखिए सुन लीजिए क्या हुआ, जब फिल्म थी तो आपको बता दूं भैया कि जैसे ही आपने इसको फोड़ा, सरफेस टेंशन करता क्या है, सरफेस एरिया को कम करता है, क्या करता है, सरफेस एरिया कम क्यों करता है, ताकि सरफेस में मॉलिक्यूल क्या हो जाए, सरफेस मॉलिक्यूल कम होकर क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, समझ गया। अब देखिए जैसे ये नीडल नीडल का यहां पे मारा, तो वैसे क्या हुआ, जो ये फिल्म बनी थी इसके दोनों साइड से सरफेस टेंशन लगा, तो उसने तुरंत क्या किया, अपने सरफेस एरिया को ऐसे क्या किया, ऐसा बढ़ाया नहीं है, ये जहां से फूट गया ना तो ऐसे फैल गया, फैल के फटी जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, अगर जब यहाँ पे पिन मारोगे तो ऐसे अंदर से बाहर की तरफ जाके खत्म हो जाएगा, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा भैया, जैसे ही आपने यहाँ पे पिन मारी तो ये इतना ही फुट पाया, उसके बाद सरफेस टेंशन ने क्या किया, इसको एकदम गोल कर दिया। वही लिखा हुआ यहाँ पे, इफ वी टेक सर्कुलर फ्रेम ऑफ द स्टिफ वायर, कोई वायर है ठीक है, डिप इन टू द सोप सोल्यूशन, पानी वो साबुन के सोल्यूशन में डालिए, थिन सोप फिल्म इज फॉर्म ऑन द फ्रेम, वेट एंडलेस थ्रेड, यही ये वाला थ्रेड है जिसका दोनों एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है, हमने बांध दिया ठीक है भैया,
और क्या रहे भैया, उसके ऊपर आराम से रखो, ठीक है भैया। और उसके बाद उसकी शेप कैसी रहती है भैया, इरेगुलर शेप। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, बीच में से एक पिन मार देते हो, तो भैया क्या होता है, वो एकदम सर्कुलर शेप आता है। क्यों वजह से, क्यों, सरफेस सरफेस टेंशन ने उसको क्या किया, चारों ओर से खींच, क्योंकि फट रहा था ना। ये क्या हुआ, ऐसे फैला, ऐसा फैला तो उसने क्या किया, इसको भी ऐसे क्या किया, फैला दिया। और इसकी शेप कैसे होगी, राउंड सर्कल कैसे, ठीक है ठीक है। स्ट्रेस दिया आउटवर्ड, ये इसको क्या करता है, बाहर की तरफ खींचता है, टेक सिमेट्रिकल सर्कुलर शेप। दिस इज बिकॉज फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ सर्कुलर सर्कल एज द मिनिमम, बस हो गया वही वही तक था। दिस इज बिकॉज द सर्फेस टेंशन कहा है, यहाँ पे पूरे लिख लेना, ऑक्यूपाई मिनिमम सर्फेस एरिया, ठीक है। इसलिए क्या होता है भैया, इसको खींच देता है। समझ गए भैया, आप दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं इसको। एक फिल्म बनी थी, फिल्म के ऊपर एक एंडलेस थ्रेड डाल दिया, एंडलेस थ्रेड के बीच में थोड़ा सा पिन मार दी, पिन मार दी तो वहां से क्या हुआ, सरफेस टेंशन की वजह से फट गया, सरफेस टेंशन की वजह से फट गया। तो भैया क्या हुआ, मैम वो जो धागा था उसके ऊपर भी क्या हुआ, चारों ओर से खिंचाव लगने लगा। और जब चारों ओर से जैसा खिंचाव लगेगा तो कैसी शेप आएगी, सर्कुलर। अब जब एक साइड से खिंचाव, अगर मान लीजिए यहीं से खिंचाव आता तो उसकी शेप क्या होती, ऐसी ऐसी रहती। लेकिन चारों ओर से इक्वल खिंचाव आ रहा है तो शेप कैसी होगी भैया, सर्कुलर। समझ गए भैया, तो ये आपको एज इट इज ये डायग्राम बनाना है और ऐसे लिखना है, ठीक है भैया, समझ गए, आगे बढ़े। चलो अब अगला आ रहा भैया, देखिए रेन ड्रॉप जो होती है, छोटी रेन ड्रॉप होती है, सर्कुलर शेप की होती है। क्यों, पानी में, ग्लास में रखा पानी सर्कुलर नहीं होता, है ना, सोचा कभी। उतना ही सुन ले यार, एक बारी जितनी बड़ी ड्रॉप है, मान लीजिए इतनी बड़ी ड्रॉप, इतनी बड़ी तो ड्रॉप होती है, उसको अगर किसी भी चीज पर रखोगे तो ड्रॉप नहीं बनती, वो फैल जाती है। लेकिन अगर एयर में रहती है तो ड्रॉप रहती है। रीजन क्या, कोई बताएगा मुझे, हवा आती है तो हवा ही निकालूंगा। जितनी बड़ी ड्रॉप होती है, अगर उतना ही पानी आप कहीं पर रख दोगे ना, तो ड्रॉप की फॉर्म में नहीं रहता। लेकिन अगर वो एयर में रहता है तो ड्रॉप बन जाता है। क्यों, कैसे, हाँ सरफेस टेंशन वहां पे लग रहा है क्या। फिर देखिए सुन लीजिए, जब मैं बात करता हूं ड्रॉप की, तो ड्रॉप परफेक्टली क्या होती है, एयर के कांटेक्ट में होती है। जब वो एयर के कांटेक्ट में होगी तो हर जगह से क्या लगेगा, सरफेस टेंशन, और हर जगह से क्या लगेगा, फोर्स। और जब किसी बॉडी के हर जगह से फोर्स लगता है तो उसकी शेप कैसी आती है, स्फेरिकल। कैसे, लड्डू बनाते हो हर जगह से फोर्स लगाते हो तभी तो स्फेरिकल होता है। लेकिन जब आप क्या करते हो, उस चीज को, उस ड्रॉप को, उस लिक्विड ड्रॉप को आप किसी सरफेस पर रखते हो तो क्या होता है भैया, वो सरफेस फ्री नहीं रहती। जो सरफेस किसी के कांटेक्ट में आती है वहां पे सरफेस टेंशन लगना बंद, जैसे बंद जाता तो वहां से फोर्स लग गया। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो भैया उसकी शेप स्फेरिकल नहीं रहेगी। तो अगर मैं बोलूंगा भैया रेन ड्रॉप्स क्या होती है, जनरली स्फेरिकल शेप की होती है, तो क्यों होती है, तो रीजन पता है ना आपको, क्यों भैया, लिखा हुआ है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से। यहाँ पे लिखा हुआ रेन ड्रॉप्स आर जनरली स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू द सरफेस टेंशन, रेन ड्रॉप्स टेंड्स टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया, ठीक है। और एरिया रहेगा कम तो स्टेबिलिटी रहेगी ज्यादा। और आपको पता है सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है, स्पीयर का, किसका होता है, स्पीयर। कह रहे भैया जो छोटी मरकरी ड्रॉप होती है, देखिए मरकरी के अंदर ऐसा केस नहीं होता, मरकरी कहीं पर भी रहेगा आपको स्पेरिकल ही मिलेगा। रीजन पता क्या, उसका कोहेसिव नेचर, सॉरी एडहेसिव नेचर बिल्कुल ही क्या होता है, खराब होता है। समझ गया, मरकरी का कोहेसिव नेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए भैया कहीं पर फ्लैट ही नहीं हो पाता। कहीं पर रख दोगे ना उसको तो उसके साथ चिपकेगा ही नहीं, जब उसके साथ नहीं चिपके तो किसके साथ चिपकेगा, खुद के साथ चिपकेगा, तो क्या बन जाएगा, स्पेरिकल। इसलिए मरकरी हमेशा क्या होता है, स्पेरिकल शेप में ही मिलती है आपको। छोटी मोटी थोड़ी बहुत ड्रॉप जो होती है, छोटी मोटी, वो हमेशा कैसी होती है, चाहे वो कॉन्टेक्ट में रहे या ना रहे, वो हमेशा क्या होगी, स्पेरिकल। रीजन क्या है कि उसके अंदर एडहेसिव नेचर क्या है, ना के बराबर, और कोहेसिव नेचर क्या है, बहुत कड़ा, ठीक है भैया। कह रहे स्मॉल मरकरी ड्रॉपलेट्स आर स्पेरिकल, ठीक है, और वही लिखा हुआ है सरफेस टेंशन, ठीक है भैया। और स्पीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है। बड़ी मरकरी ड्रॉप के केस में थोड़ा मामला खराब हो जाता है, वो थोड़ी फ्लैट हो जाती है, क्या होती है। रीजन क्या होता है भैया, क्योंकि आपको पता है बड़ी मरकरी ड्रॉप जो होती है, बड़ी साइज की ड्रॉप होती है, दो ये अर्थ की ग्रेविटी है और ये मरकरी, तो इसको खींचता है, तो भैया इसको खींचता तो क्या होता है, नीचे आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लैट बन जाता है, क्या होता है, ठीक है भैया। देखिए जब इसको खींचे, इसके सेंटर ऑफ मास को खींचा जाएगा तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, अर्थ की ग्रेविटी के खिंचाव की वजह से इसकी शेप कैसी होती है, फ्लैट, इस तरह का दिखेगा आपकी बड़ी मरकरी ड्रॉप, ठीक है भैया। क्योंकि ग्रेविटी क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच करके इसको कैसे बना दे रही है, फ्लैट। समझ गए, ये एग्जांपल आपको लिखने एज इट इज, ठीक है। अब आ रहे भैया डेरिवेशन, एक छोटी सी डेरिवेशन है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं,
आपको बता भी रखा है, एग्जाम्पल भी रखा हुआ मैंने सौ बार, कि भैया आप अगर पत्थर को उठाते हो और छोड़ते हो तो किसकी वजह से जमीन पे आता है? बिल्कुल गलत आंसर है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। उसके अंदर एनर्जी आ गई थी, एनर्जी थी तो स्टेबिलिटी उसकी क्या हो गई थी? कम हो गई थी। अब उसको स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो अपनी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? कम। अब एनर्जी को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको खुद वर्क करना पड़ेगा। खुद वर्क करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? आप जब नींद आ रही है क्या? पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता? 50 बार जमाई मार चुकी है यहाँ पे, ठीक है? जिसका इंटरेस्ट कम होता है ना उसको यही होता है, बुढ़ा सो ही गया था, एक नींद भी मार ली फिर हाथ खड़ा कर रहा है। अच्छा कुछ एक्स्ट्रा बता रहे क्या? अच्छा आंसर बता रहे, सो के दो नींद मार के उठ गया ऊपर से। देखिए सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है? देखिए मैं बताता हूँ, अगर जिसको ना जो चीजें फील करता है ना, मैं ऐसी बातें तो बता ही नहीं रहा जो फील ना हो आपको, ठीक है? या तो आप रट्टा मारने वाले हो, ठीक है? रट्टा मारने वाले को कुछ फील नहीं होता, वो बस रट्टा ही मारता है चीजों को। अरे यार, अरे यार, कॉपी में 4 बार हाथ फेरेगा, रटेगा, उसके बाद नीचे उतार लेगा। तो भैया चीजों को फील किया करो, फिजिक्स मतलब फीलिंग होता है। जैसे जब फीलिंग आनी बंद है तो आप फिजिक्स से लायक नहीं हो, आप गधे हो। जब आपको फिजिक्स फील ना हो तो आप समझ जाना कि आप फिजिक्स लायक नहीं थे, आप गधे हो, गधे, ठीक है? आपके बस की नहीं है फिजिक्स करना। फिजिक्स बच्चा वही कर सकता है जो फील करके करता। भाई डेरिवेशन में हमेशा फील नहीं आता, लेकिन डेरिवेशन का जो कंसेप्ट आया ना जहां से, वो चीज फील होनी चाहिए, तब डेरिवेशन आप कभी रटने नहीं पड़ेगी, ठीक है? अगर आपको फिजिक्स नहीं फील हो रही, मैं ऐसे एग्जाम्पल भी नहीं देता, मैं तो घर गृहस्थी वाले एग्जाम्पल देता हूँ, तो फील तो होनी चाहिए, क्योंकि घर गृहस्थी वाले पंचायत तो आपको बड़ी अच्छी लगती है, तो उसी पंचायती में मैं भी बताता हूँ आपको। तो इसीलिए ध्यान रखना भैया कि जिसको नहीं फिजिक्स फेल हो रही तो फील हो रही तो फेल है, नहीं फील तो फेल। फील हो रही है आपको? है? अब तो होगी, अब तो इतना लेक्चर दे दिया, अब तो फील हो गई। अब नहीं भी हो रही फिर भी हो, जलील कर रहे हो, जलील सीधा बोलो ना, भाई ध्यान दीजिए। नहीं मेरी बात सुनिए, देखो मैं अगर इतना तेज मैं चाहूँ तो ये केवल अंडरलाइन कराऊं और बेसिक बेसिक बातें लिखवा बता दूं, खत्म हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने सरफेस टेंशन को 10 बार बताया जबकि इतना आसान टॉपिक है, ठीक है? रीजन होना कुछ भी, ताकि आपको पता रहे कि भाई सरफेस टेंशन होता क्या है, वरना केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे पता है? फ्लूड की प्रॉपर्टी, बस खत्म। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड, बस खत्म हो गया, यही है सरफेस टेंशन अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, और अकॉर्डिंग टू फिजिक्स केमिस्ट्री। ओ सरफेस टेंशन देख लिया आपने, समझ गया भैया? तो अब बात करते हैं भैया किसकी। हाँ तो आप पत्थर को जब उठाते हो, तो पत्थर उठाते हो तो आप वर्क करते हो, आप वर्क करते हो तो भैया क्या होता है? ग्रेविटी का किस वर्क कर रहे हो? आप ऊपर उठा रहे हो पत्थर के ऊपर, ग्रेविटी नीचे खींच रही है उसको, है ना? तो जब आप उसको उठाओगे तो आप वर्क करोगे, और यदि किसी भी सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है तो उसके अंदर क्या आती है? एनर्जी। और जब उसके अंदर एनर्जी आएगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? खराब। स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी तो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या होगा? वापसी वही आ जाएगा जहां पे पहले था। पहले कहां पे था? जमीन पर, तो इसीलिए वापसी आ जाता है। अब पहले फ्लोर पे ले आओगे तो कम वर्क करना पड़ेगा, अंदर एनर्जी भी क्या आएगी? कम आएगी, ठीक है? एनर्जी कम आएगी तो कम सर फटेगा। लेकिन यार चौथे पांचवे फ्लोर पे ले गए, चौथे पांचवे फ्लोर पे ले गए, ठीक है? भारी रहे भाई, भारी रहे, भारी रहे, गेट बंद कर ले, ठीक है? अगर आप चौथे पांचवे फ्लोर पे ले गए, चौथे पांचवे फ्लोर पे ले आते हो, तो चौथे पांचवे फ्लोर पे ले आने के बाद क्या होगा? आपने वर्क ज्यादा किया उसको ले आने में, उसके अंदर एनर्जी क्या आई है? भरपूर आई है, फर्स्ट क्लास आई है। और जिसके पास एनर्जी बढ़िया होती है तो सर भी क्या करेगा? बढ़िया फाड़ेगा, अपने काम को पूरा करेगा, जान से मार देगा हो सकता है आपको, ठीक है? समझ गया? तो यानी आप कहने का क्या मतलब है, यदि आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो, तो वो अगर अगेंस्ट में कर रहे हो तो जो आपका वर्क है वो उस चीज को क्या कर रहा है? अनस्टेबल। क्या कर रहा है? अनस्टेबल। कैसे होती कोई चीज अनस्टेबल? क्यों होती है? उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। नहीं आपने ये नहीं बोला, बोला ही ओए, नहीं बोला, नहीं मना कर रही है, बोल। देखिए तो कोई चीज अगर अनस्टेबल हो रही है तो इसका मतलब यही है कि उसकी एनर्जी हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। आप खुद को स्टेबल करने के लिए अपनी एनर्जी को क्या करेगी? कम करेगी, उसके उल्टा काम करके। हम करेंगे ऐसे, एनर्जी बढ़ गई तो आएगी ऐसे, एनर्जी घट गई। अब क्या होता है?
आप, मैंने ये बता दिया, लेक्चर दे दिया, अब आते सरफेस टेंशन पे। सरफेस टेंशन क्या करता है? सरफेस एरिया कम करता है। क्या करता है सरफेस टेंशन पता है? मैं जिसके पीछे पड़े आता हूँ ना, तो पूरी क्लास में 12वीं में एक बार एक बार लड़के पड़ गया था, आगे बैठा था, सो गया था वो भाई, पूरी क्लास में मारा मैंने उसको पट, क्या पट, हर क्वेश्चन कम से कम वो जब तक क्लास में था 35-36 रैपटे पड़ गए होंगे उसमें। वो तभी तो सोता नहीं, आप पूछ ले कभी गलती से भी उसकी आंखें आंखें ही होती ना तो पिन लगा लेते हैं करके, ठीक है। आज ये सही जगह बैठ गया, ठीक है। देखिए भैया सुन लीजिए भैया, तो बात करते भैया, मैं किसकी बात कर रहा था, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या करता है? सरफेस एरिया को, ताकि एनर्जी क्या हो जाए, एनर्जी कम हो जाए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाए। लेकिन हमारे अंदर उंगली थी, हमने क्या कर दिया, सरफेस एरिया कम नहीं किया, बढ़ा दिया। क्या कर दिया? अब बढ़ाने में क्या क्या होगा? वर्क। अब बढ़ाने में जो वर्क करोगे वही क्या होगी, उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, वही क्या होगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं भैया सरफेस एनर्जी। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन क्या करता है? दिव्यांश, सरफेस एरिया को कम करता है ताकि एनर्जी क्या हो जाए, कम, स्टेबिलिटी क्या हो जाए। अगर सरफेस एरिया को मैं बढ़ा दूं तो एनर्जी क्या होगी उसकी? ज्यादा हो जाएगी। और वो वर्क सुन लीजिए, एनर्जी ज्यादा कैसे होती है, ये भी तो क्वेश्चन है हमारे वर्क। ये तो रटा रटाया हो गया, ये तो रटा रटाया हो गया। सुअर कहीं के ध्यान दे इधर। अगर तेरे को कह रहा हूं बेटा, तेरे को अनुज, ठीक है, अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ाते हो तो सरफेस बनने के लिए तो मॉलिक्यूल चाहिए अपने को, तो जो अंदर के मॉलिक्यूल होते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं। नहीं समझे मेरी बात को? देखो जो सरफेस जिसकी बनी हुई होती है, उस सरफेस की कुछ थिकनेस होगी तो उसके अंदर भी कोई मॉलिक्यूल होगा सरफेस के नीचे। जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाते हो, स्ट्रेच करते हो, तो सरफेस बनी कैसे? उसको बनाने के लिए मॉलिक्यूल तो होंगे, कहां से? भगवान ने दिए? नहीं, जो अंदर स्टेबल बैठे थे ना बेचारे, वो ऊपर आ गए। अब जैसे वो ऊपर आए तो उनके उनका स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होगा? आधा खाली, आधा खाली, तो फोर्स कहां लग गया? नीचे। एनर्जीज का मतलब क्या हो गया? उनकी बढ़ गई। समझ गए भैया? समझे नहीं समझे इस बात को? तो भैया ये ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन क्या करता है? सरफेस एरिया को कम करता है। सरफेस एरिया को कम करके क्या करता है? सरफेस की एनर्जी कम कर देता है। अब हम क्या करते हैं? सरफेस एनर्जी को क्या करते हैं? कम करने के बजाय सरफेस टेंशन कम कर रहा है, हमने उसके अगेंस्ट में काम कर दिया। इससे क्या होगा? इसकी सरफेस की एनर्जी, क्योंकि ऊपर मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो जाती है, बढ़े। क्या कर रहे हो? ठीक है भैया, कैसे कर लूं? देखिए भैया ध्यान दीजिए, सरफेस एनर्जी क्या है भैया? फिल्म की कितनी सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है? एक। देखो नॉनसेंस, अभी बताया था थोड़ी पहले, ड्रॉप की कितनी सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है? कैसे? अंदर पानी होता है और बाहर क्या होता है? एयर होती है। समझ गया? ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल ही पढ़ाई में। सरफेस एनर्जी क्या होता है भैया? कोई मुझे बताया? मुझे नहीं पता, बता सरफेस एनर्जी क्या होती है? हेलो, अभी बताया ना मैंने, सरफेस टेंशन क्या करता है? सरफेस एरिया को कम करता है। मैं क्या करूं? सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में काम कर दूं, क्या कर दूं? बढ़ा दूं। तो ये क्या कर रहा है? कम कर रहा है, बढ़ा रहा है? बता दे, ठीक है। तो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में काम करके सरफेस एरिया क्या करो? जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा सरफेस की एनर्जी क्या होगी? सरफेस की एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। यानी एनर्जी बढ़ी है ना, वही सरफेस एनर्जी कहलाता है। इधर देख ले, ए, ए, मुझे पता तू क्या, तेरा हिसाब किताब क्या, तेरा भी स्वाद मीठा है। इधर देखो भैया, उल्टे काम कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। सरफेस एनर्जी, ओए, द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की फ्री सरफेस क्या चाहती है? उसका एरिया क्या हो? किसकी वजह से? इसीलिए टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, अगर हमें इंक्रीज करना सरफेस एरिया तो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स हैव टू बी ब्रॉट टू फ्रॉम इंटीरियर, अंदर से कहां लाना पड़ेगा? जो मॉलिक्यूल बेचारे स्टेबल बैठे हैं उनको अंदर से कहां लाना पड़ेगा? सरफेस पे आते के साथ ही उनकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। वही लिखा हुआ है, वर्क डन, वर्क डन, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज एन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भैया।
जो अट्रैक्शन वाला फोर्स बता रखा है ना वर्क, वो है सरफेस टेंशन वाला, सॉरी अट्रैक्शन वाला जो फोर्स का नाम लिया ना इनने, वो कौन सा फोर्स है? सरफेस टेंशन वाला। वो क्या कर रहा है? कम कर रहा है सरफेस एरिया को। हम क्या कर रहे हैं उसके जो अगेंस्ट में जो वर्क कर रहे हैं वही क्या होगा? सरफेस एनर्जी की फॉर्म में आएगा। तो सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन ये होगी, यही लिखना है आपको, और सरफेस एक्सप्रेशन देखिए क्या होगी, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ध्यान दिए असद, ये एक मैच है ठीक है भैया। सरफेस टेंशन हमेशा फ्री हैंड से लगता है, जो चल सकता है ठीक है। तो भैया देखिए फिल्म बनी है इसके ऊपर, क्या बनी है? फिल्म। और फिल्म क्या देखिए, ये साइड फिक्स है, ये साइड फिक्स है, ये है मूवेबल, ये क्या है? मूव कर सकता है, मूवेबल मतलब मूव कर सकता है ठीक है। अब ये मूव कर सकता है, तो यहाँ पे ए पॉइंट पर था और ये कहाँ पे था? बी पे था। सरफेस टेंशन क्या कर रहा था? अंदर की तरफ लग रहा था, यहीं पे क्यों लग रहा है? बाकी और जगह पे क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सरफेस क्या होती है, ये चीज मूव कर सकती है, तो यहाँ से सरफेस एरिया कम हो सकता है, और जहां सरफेस एरिया कम हो सकता है वहीं से क्या लगता है? सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे लग रहा था फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, अंदर की तरफ लग रहा है, ताकि क्या हो जाए, इसको पास बुला करके यहाँ पर बुला लिया जाए, और सरफेस एरिया क्या हो जाए इस फिल्म का? ये फिल्म है, क्या है ये? कौन सी फिल्म है? सॉफ्ट फिल्म, सॉफ्ट फिल्म है ठीक है भैया। तो अंदर की तरफ खींच करके अपने सरफेस एरिया क्या कर रहा था? कम कर रहा था। अब हमारे अंदर उंगली है, हमने क्या किया भैया? ठीक है, तो हमने क्या किया, इस फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगा दिया। कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स, क्या है ये? और एक्सटर्नल फोर्स लगा करके हम इस वाले मूवेबल आर्म को ए से कहां पे ले आए? ए डैश पर, और बी से कहां पे ले आए? इस दौरान हमने कितना डिस्टेंस कवर किया? डेल्टा एक्स, कितना किया? इसकी लंबाई कितनी थी? एल थी, जो आर मूव कर रहा है ना उसकी लंबाई कितनी है? एल, क्या है? लंबाई एल है, समझ गया भैया। अब ये फिल्म है तो इसकी दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगी, तो सरफेस टेंशन जो रहेगा सिग्मा, वो टू सिग्मा होगा, क्या होगा? एक सरफेस कांटेक्ट में होगी तो सिग्मा, दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगी तो क्या होगी? दो सिग्मा, तीन सरफेस एयर के कांटेक्ट, वैसे तीन सरफेस होती नहीं है लेकिन तीन सरफेस हो जाते क्या होगा? थ्री सिग्मा। अब देखिए भैया, मैं एन सिग्मा लेके चलूंगा, वेयर एन इज द नंबर ऑफ फेस इन कॉन्टेक्ट विद एयर, समझ गए भैया। तब देखिए भैया, आपको पता वी नो, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होगी बताइए? ये वाला फोर्स किसके बराबर होगा? अंदर लग रहे सरफेस टेंशन से ज्यादा या कम से कम उसके? आपको बता रखा है फिजिक्स में, अगर दो फोर्स लग रहे, ग्रेविटी नीचे लग रही है ऊपर उठा रहे हो आप चीजों को, अगर ग्रेविटी क्या, अगर इसको नीचे खींच रहे हो, अगर आपको इसको उठाना तो क्या करोगे? ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करोगे, कितना फोर्स लगाओगे? इसके बराबर लेता हूं हमेशा मैं, ग्रेविटी के बराबर ही ले दो ना अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ, फिजिक्स में हमेशा ही करना है, क्योंकि आपको पता है भैया ग्रेविटी अगर 50 न्यूटन की लग रही है तो आप कितने में उठाओगे इसको? 51, 52, 53, 54, 55 सब में उठेगा, लेकिन भैया आपको मिनिमम फोर्स लगाना पड़ता है 50 ठीक है भैया। तो इसलिए आपके द्वारा जो एक्सटर्नल फोर्स है किसके बराबर होगा? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और आपको याद होगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या था? सिग्मा इंटू में एल, क्या था? फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू लेंथ, बोलो हाँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ना। लेकिन यहां पर आपको पता है कौन सा क्या है, फिल्म है, फिल्म में सिग्मा क्या होगा? टू सिग्मा के बराबर जाएगा, क्या हो जाएगा? लेकिन हम यहाँ पर एन सिग्मा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? एन, नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेस इन कॉन्टेक्ट विद, इन कॉन्टेक्ट विद, अरे यार यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा, चलो चलो नहीं, हाफ फोर्स पर वही सरफेस टेंशन, यार ये क्या है एन, ठीक है भैया ये हो गया आपका जो आप भाई प्लीज, सरफेस टेंशन वाला फोर्स ये हो गया, और सरफेस टेंशन के बराबर ही आपको क्या लेना भैया? एक्सटर्नल फोर्स, क्या लेना? वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? फोर्स, कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, एक्सटर्नल फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना किया भैया आपने? डेल्टा एक्स का, कितना किया? डेल्टा एक्स का। तो सिग्मा की वैल्यू क्या है? एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या रखी है? अबे क्या रखी है? एन सिग्मा एल, क्या रखी है? और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डेल्टा एक्स, ठीक है भैया। तो एन सिग्मा एल इंटू में डेल्टा एल, क्या है? लेंथ, ये क्या है? इसकी लेंथ है, और डेल्टा एक्स क्या है? जो आगे बढ़ा है, तो किसके बराबर होगा?
ये है क्या, ये क्या है बताओ, कोई बताओ, ये चेंज इन एरिया है, क्या है ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एक्स है, ये एक्स के अंदर इतना चेंज हुआ और एल तो इतनी थी, तो डेल्टा एक्स इंटू में एल क्या होगा, चेंज इन एरिया के बराबर आएगा, क्या आएगा, एन सिग्मा डेल्टा ए, डेल्टा ए क्या है भैया, चेंज इन एरिया ऑफ फिल्म, या फिल्म या कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है, और एनीथिंग, एनी एनीथिंग, अच्छा एन क्या है, नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेस इन कॉन्टेक्ट विद, कॉन्टेक्ट विद एयर, इसको दूसरा एक और नाम है नंबर ऑफ फेस इन कॉन्टेक्ट विद एयर का, फ्री सरफेस, क्या है, तो जो फिल्म होती है उसकी दो फ्री सरफेस होती है, ठीक है भैया, समझ में आ गया, ये वर्क हो गया, और यही वर्क क्या होता है, सरफेस एनर्जी के बराबर होता है, याद है, दोबारा ध्यान दीजिए, ये देखिए डेरिवेशन देख लीजिए, वैसे डेरिवेशन ये आती नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड दो डेरिवेशन है जिसमें से एक 100% आती है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर मैश थी जिसका एरिया पहले ये था, है ना, आप सरफेस टेंशन क्या कर रहा है, इसके एरिया कम करने का प्रयास कर रहा है, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, और उसका एरिया यहां से इतना बढ़ गया, ये क्या हो गया, चेंज इन एरिया, क्या है, कैसे निकलेगा, एल इंटू में डेल्टा एक्स, तो भैया हमने क्या किया, भैया हमें पता है एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, सरफेस टेंशन की फोर्स की वजह से बराबर है, सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता है, एन सिग्मा एल, एन क्या है, नंबर ऑफ फोर्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर, तो भैया हमने क्या किया, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में कौन सा फोर्स है भैया, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या रखी है, एन सिग्मा, ठीक है भैया, उसके बाद इसको सॉल्व किया, आपका ये आ गया एल इंटू में डेल्टा एक्स का चेंज इन एरिया, ठीक है भैया, चेंज इन एरिया क्या होता है भैया, डेल्टा ए क्या होता है, फाइनल एरिया माइनस, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट क्या है इसकी, जूल, देखिए भैया मेरी बात सुनिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक सॉप बबल था, उसकी रेडियस 1 मिलीमीटर थी, आपने फूंक मारी, उसकी रेडियस होगी 4 मिलीमीटर, एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ा, उसकी सरफेस एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ा, 4 मिलीमीटर होने के बाद रेडियस, हाँ क्या हुआ, एक सॉप बबल था उसके अंदर तेरे अंदर मिली थी, उसकी रेडियस भी 2 मिलीमीटर, फूंक मार के तूने इसको 4 मिलीमीटर कर दिया, उसकी एनर्जी बड़ी घटी, रेडियस बढ़ गई उसकी जब आप खूब मारोगे तो रेडियस बढ़ने के साथ सरफेस एरिया क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ा है, यानी सरफेस में मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है, सरफेस में मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई, तो ये क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई, बढ़ जाएगी, यार चलो यार बता दे जल्दी से, ध्यान ये एक और मैसेज है, कौन सा, नहीं वो क्या है, वो क्या करता है, तो ये रिकॉर्डिंग देख लेना, नोट्स कंप्लीट, और सुन लो परसों की क्लास में पहले सबके नोट चेक करूंगा, चाहे लड़के हो लड़का भरपूर भरूंगा।